गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों आज हम पढ़ेंगे अपठित काव्यांश। इससे पहले हमने पढ़ा था अपठित गद्यांश। गद्यांश का मतलब वही था कि जो हमने पहले ना पढ़ा हो, ठीक है। सेम इसी तरह अपठित काव्यांश होता है। काव्यांश का मतलब कुछ कविता की पंक्तियां, कविताओं के अंश जो हमने पहले ना पढ़ा हो। तो अपठित काव्यांश भी गद्यांश की तरह वे अंश होते हैं जो पाठ्य पुस्तक से संबंधित नहीं होते, अर्थात जिनका संबंध हमारी पाठ्य पुस्तक से नहीं होता। ऐसा ना हो कि जब कभी कोई काव्यांश हम दें तो आप उनको बुक में ढूंढें कि अरे ये हमारी बुक में होगा तो हम ढूंढते हैं, तो वो बुक से नहीं होता, वो अलग से दिए जाते हैं, ठीक है। तो अपठित काव्यांश में जो है छात्रों को भाव ग्रहण करने की क्षमता को देखा जाता है। भाव ग्रहण करने की क्षमता, भाव ग्रहण क्या होता है कि बच्चा उस कविता का भाव समझ पा रहा है या नहीं जो उस कविता में कहा गया है, तो वे भाव ग्रहण की क्षमता को बढ़ाती है, को बढ़ाते हैं। कौन? काव्यांश, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस काव्यांश के माध्यम से बच्चे जो है अपने भीतर लेखन कला का विकास करते हैं। अब क्योंकि काव्यांश गायात्मक होता है ना, उसको लय में गाया जाता है, तो उसमें क्या है, बच्चे की जो है लेखन क्षमता का विकास होता है। काव्यांश समझकर बच्चे जो हैं उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में उनको देने होते हैं। जैसे कि आपने गद्यांश में भी यही किया था, गद्यांश को पढ़ा था, उसको समझा था और उसके क्वेश्चनों के आंसर आपने किस में दिए थे, अपने शब्दों में दिए थे। तो सेम यही स्थिति काव्यांश में होती है। जब हम काव्यांश को हल करते हैं तो उसमें क्या ध्यान देना है, तो देखिए काव्यांश को हल करते समय ध्यान देने योग्य बातें। ऐसा नहीं है कि हमने कविता पढ़ी और हम तुरंत उसका आंसर देने लग गए। उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि जिससे हम अच्छे मार्क्स ले आए, हम अच्छे अंक लाएं, तो उसके लिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम काव्यांश को कम से कम दो बार अवश्य पढ़े, ठीक है। हमें काव्यांश को कम से कम दो बार जरूर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हमने एक बार पढ़ी और उसको समझा नहीं और उसके आंसर दे दिए। उसको पढ़ने के बाद उसका क्या भाव है, उसका भाव ग्रहण करें, उसके अर्थ को समझें, ठीक है। दूसरा जो है हमने जो ध्यान देना है वो है कि जब हम प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, प्रश्नों को पढ़कर ठीक है, हमने प्रश्नों को पढ़ लिया और काव्यांश में जो हमें लगता है कि इस संभावित कि ये उत्तर हो सकता है, संभावित उत्तर की पंक्तियों को रेखांकित करें, समझ रहे हो आप। अब हमने प्रश्न पढ़ा और जब हमें लगा कि इन पंक्तियों में इसका उत्तर छिपा है, तो हम उन पंक्तियों को क्या कर लें, अंडरलाइन कर लें। प्रश्न के उत्तर लिखते समय तीसरा ध्यान रखना है हमने, प्रश्नों के
उत्तर लिखते समय भाव का ध्यान रखें। अब देखिए कविता में कई प्रकार के भाव होते हैं, कहीं पर वीर रस की प्रधानता होती है, कहीं पर करुण रस की प्रधानता होती है, कहीं पर शांत रस की प्रधानता होती है, कहीं पर रौद्र रस की प्रधानता होती है। तो इस चीज को हमने ध्यान में रखना है कि उस कविता का भाव क्या है, किस रूप में वो कविता कही जा रही है, तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है। और जो नेक्स्ट है नोट्स रखने के लिए, याद रखने के लिए, वो है कि हम जब भी उसका उत्तर लिखें तो सरल और स्पष्ट तथा छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। जब भी हम इनके आंसर लिखें तो हमने क्या करना है, अपनी भाषा अपने शब्दों में उस उत्तर को लिखना है। और वो शब्द कैसे होने चाहिए, सरल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए और छोटे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछा हुआ है कुछ और हम 10 लाइन का उसका आंसर लिख रहे हैं तो वो उसके हिसाब से ठीक नहीं बैठेगा। तो इसलिए हमें छोटे वाक्यों में उत्तर लिखना है। अब लास्ट में आता है शीर्षक। जब शीर्षक लिखने की बारी आती है तो शीर्षक लिखते समय हमने ये कोशिश करनी है कि शीर्षक छोटा हो और जो काव्यांश का मूल भाव है और काव्यांश के मूल भाव से संबंधित हो। ठीक है, शीर्षक लास्ट में आता है ना कि भाई हमने इस कविता का नाम क्या लिखना है, तो उसमें हमने यही ध्यान देना है कि वो छोटा हो और जो कविता है उसी के अंदर पर, उसी के अकॉर्डिंग उसका शीर्षक होना चाहिए। ठीक है, तो हमने बेटा किसी भी काव्यांश को हल करते समय इन बातों का ध्यान रखना है। अगर हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारे जो है मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। एक देखिए हिंदी में जो अपने मार्क्स बढ़ाने का एक सबसे सरल तरीका ये अपठित गद्यांश और काव्यांश भी है। अगर हम थोड़ा सा सोचें समझें ढंग से उस क्वेश्चन को हल करें तो उसमें हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये सब क्या कब होगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस आप किसी भी किताब से या कोई भी आपका अलग से कोई किताब है उसमें एक पैराग्राफ आप ले लीजिए, उसी से आप क्या है क्वेश्चन बनाइए पहले, तो उस क्वेश्चन के हिसाब से आप उसके आंसर लिखिए। तो इस तरह से आपको क्या हो जाएगी, वो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपने इन दो तीन चार पांच बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले काव्यांश को हम जब भी पढ़ें, काव्यांश हो या गद्यांश, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि काव्यांश हो या गद्यांश कम से कम हम उन्हें दो बार अवश्य पढ़ें। ठीक है, और उसका जो भाव, भाव का मतलब होता है कि उसका जो अर्थ है उस अर्थ को हम समझने की कोशिश करें। जब हम उसका अर्थ समझेंगे तभी हम उसके आंसर अच्छी तरह दे पाएंगे, उसके शीर्षक को निकाल पाएंगे। और अगर हम उसका भाव ही नहीं समझ पाएंगे तो हमें क्या पता लगेगा कि ये कविता किस भाव पर आधारित है, खुशी का माहौल है, दुख का माहौल है। तो ये हम तभी समझ पाएंगे जब हम कविता को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो हमने ये रखनी है याद कि हमें कम से कम दो बार उसको पढ़ना है कविता को। उसके बाद जो भी हमें लगे कि ये क्वेश्चन इन लाइनों से मिल रहा है तो हम उसे क्या कर दें, रेखांकित कर दें, अंडरलाइन कर दें उसको। जब हम अंडरलाइन कर देंगे तो हमें एकदम से वो नजर में आ जाएगी भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये है। और उसको कोशिश ये करें कि अपने शब्दों में उस आंसर को लिखें, ना कि सेम जो पंक्ति वहां पर लिखे उसी पंक्ति को हम आंसर में लिखते हैं। ऐसा करेंगे तो हमारे मार्क्स कम आएंगे, हमें उसको अपनी भाषा में व्यक्त करना है। अब जब भी हम अपनी शब्दों में उस आंसर को लिख रहे हैं तो हमारे शब्द क्या होने चाहिए, सरल और स्पष्ट होने चाहिए, जो आम
लोगों की समझ में एकदम से आए। सरल होना चाहिए, इसमें जटिलता नहीं होनी चाहिए। अगर हम कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे और उसका अर्थ समझने में परेशानी होगी तो उस अर्थ उत्तर को कोई पढ़ना पसंद नहीं करेगा। तो हमारी जो उत्तर देने की जो हमारे भाव हैं वो सरल और स्पष्ट शब्दों में होने चाहिए, और वे शब्द क्या होने चाहिए, छोटे वाक्यों में। ऐसे नहीं कि हम लंबा चौड़ा लिखें, उसको ऐसा नहीं लिखना है, छोटे वाक्यों में हमें उत्तर देना है। शीर्षक अक्सर आपने देखा होगा, जो हम कविता का नाम रहता है या पाठ का नाम रहता है वो छोटा होता है, तो उस शीर्षक को एक अच्छा सा शीर्षक हम अगर किसी कविता का या पाठ का रखेंगे तो उस शीर्षक के आधार पर ही व्यक्ति उस पाठ को या कविता को पढ़ना चाहेगा। तो हमें कोशिश यही करनी है कि हमारा शीर्षक छोटा हो और जो कविता की लाइनें हैं, कविता का जो भाव है, उससे उस शीर्षक का संबंध हो। अगर उससे उसका संबंध होगा तो हर इंसान, हर व्यक्ति चाहेगा कि अरे इसमें ऐसी क्या बात कही जा रही है। अब जैसे आप 10th में देखोगे अपनी कविताओं का आत्मकथ्या, शीर्षक है आत्मकथ्या, मतलब अपनी आत्मकथा, तो हम ये जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि यहाँ पर किसकी आत्मकथा के बारे में बोला जा रहा है, किसके जीवन के बारे में बताया जा रहा है। तो व्यक्ति खुद ही प्रेरित होता हो जाता है उस चीज को पढ़ने के लिए। पाठ का है लखनवी अंदाज, अब आपके मन में, हमारे मन में ये आता है कि अरे लखनवी अंदाज क्या अंदाज होगा, हो सकता है लखनऊ से संबंधित कुछ बातें इसमें हो, तो उस शीर्षक को पढ़ के हम पाठ को पढ़ने के लिए उत्सुक होते हैं। तो किसी भी कविता में या गद्यांश में शीर्षक का बहुत महत्व होता है। तो इसलिए बच्चों, जब भी आप कोई भी कविता का या पाठ का शीर्षक लिखें तो उसको बहुत अच्छे से आपने प्रस्तुत करना है। तो इन बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और ये सब होगा आपकी प्रैक्टिस से। तो आपको ये घर में बैठ के प्रैक्टिस करनी है, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।